भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। वीडियो देखने वाली सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों से एक छोटी सी विनती है, अगर आपको ये कमला देवी बहन दिखती है तो कृपया आप 6388-35-03-24 नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकती हैं या ऑल इंडिया पर आप हमें अवगत करा सकती हैं। हमारे पास एक मैसेज सुदामा बहन जो जौनपुर जिले से आती हैं उन्होंने भेजा है और एक ये फोटो भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमला देवी कल दिनांक 11 अप्रैल से घर से गायब हो गई हैं। ऐसा मैसेज हमको कल जो है यहाँ पर बहन की तरफ से किया गया है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कृपया अगर किसी को दिखती हैं तो हमारे इस नंबर पर जो है कॉल करके बता सकती हैं। पता में उन्होंने लिखा है, जिला इनका वाराणसी है, ग्राम इनका मड़वा है, तहसील इनका सदर है। भैया जी प्लीज यह फोटो को जरूर दिखाइए और हम लोग बहुत परेशान हैं। तो पता नहीं ये कहाँ गायब हो गई हैं। तो आपको पहली बात तो अपना थाने में नज़दीकी जो है एक मिसिंग रिपोर्ट भी इनकी लिखवानी चाहिए। जो भी होगा पुलिस भी तहकीकात करेगी, उनका जो एक वो कहते हैं ना कि करने का तरीका होता है जांच करने का, वो एक अलग होता है। उम्मीद है जहाँ कहीं अगर आप में से किसी को दिखती हैं तो आप लोग सूचित करना, बाकी आप मिसिंग रिपोर्ट भी एक जरूर लिखाना। वही बात करते हैं आज के इस वीडियो में, बहुत सारी जानकारी आप सब बहनों को देनी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बहराइच के हैं उन्होंने 12 अप्रैल को कल एक सरकारी आदेश अपने वहां के CDPO को भेजा है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है ये सभी बहनों को जानना बहुत ही जरूरी है। आइए एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि इस आदेश में उन्होंने क्या लिखा है। इनका कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जनपद बहराइच के कार्यालय पत्र संख्या दी गई है 9/4/2022 में आप सभी को निर्देशित किया गया है कि 12 मई से प्रारंभ होने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम MDA बोलते हैं उस कार्यक्रम में सहयोग लेने के संबंध में निर्देशन किया गया है। निर्देशित यहां पर लिखना चाहिए था, गलत उन्होंने लिख दिया है। इसमें अधोहस्ताक्षरी के द्वारा ली गई आपकी बैठकों में 12 मई 2022 से प्रारंभ हो रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको MDA बोलते हैं कार्यक्रम की तिथियों के बारे में जानकारी दिया जाना है और जिला एवं ब्लॉक लेवल के समस्त जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें फाइलेरिया बचाव के लिए वीडियो को शेयर करना है जिससे लोगों में जन जागरूकता पैदा हो और रोगों से बचाव के लिए दवा का सेवन भी कर सके और एल्बेंडाजोल की जो दवा है उसका सेवन करने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित भी करेंगे ताकि कोई भी दवा के सेवन से वंचित ना रह जाए और उक्त हेतु अपने अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस पर जागरूक किए जाने के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने नीचे क्या लिखा है इस पर भी आप फोकस करिए। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको MDA बोलते हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और COVID-19 का पालन कराते हुए निर्देशों के अनुसार मुख्य सेविका को भी निर्देश कर दें और अपने अपने परिक्षेत्र की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहने हैं उनको जनहित में लोगों को फाइलेरिया बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूक करना सुनिश्चित करें। आपके GD यादव जी जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच के उन्होंने अपने वहां एक लेटर जारी किया है। उर्मिला बहन आती हैं बहराइच से, बहन ने जानकारी भेजी है। साथ ही चलते हैं आगे और आप सबको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ बालाघाट से योगिता कावड़े बहन ने कल पोस्ट डाली कि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला बालाघाट में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 28वें दिन में वो शुरू की गई है, क्रमिक भूख हड़ताल। तो यहां पर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल 28 दिन से चल रही थी उसी के संबंध में 28वें दिन जो है यहां पर बहनों की अब क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल अलग होती है और भूख हड़ताल अलग होती है। बहनें यहां पर भूखी प्यासी बैठी हैं बालाघाट में और यहां पर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। इस तरह से आप यहां पे देख सकते हो ये कुछ बहनें हैं जो भूख हड़ताल पर बालाघाट में बैठी हैं क्योंकि
मध्य प्रदेश सरकार बहनों की अनदेखी कर रही है। वहीं बात करें, कुछ और भी तस्वीरें हैं, इस तरह से वहां पर धरना चल रहा है। चाहते हैं अगर आवाज यूनियन तक जा रही है तो बहनों अपना एक वीडियो अच्छी तरीके से अपनी समस्याओं को बढ़िया से बोलते हुए बिना शोरगुल के साथ में एक भेज देना। बढ़िया से जो भी 5-10 मिनट का आप भेजें उसको अच्छे से प्रसारित किया जाएगा और आपकी समस्या लोगों तक जाएगी। वहीं बात करते हैं, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने भी अपने वहां पोस्ट डाली है कल, और इसमें उन्होंने लिखा कि आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, बहिष्कार अभियान के तहत दिल्ली के पटपड़गंज वगैरह इलाके में रैली निकाली गई है और आंगनबाड़ी कर्मी बहने और आम जनता के जायज हकों अधिकारों पर डाका डालने वाले आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यालयों का बहनों ने फिर से वहां पर घेराव किया। तो डेली बहने जाती हैं और यहां पर जो है कार्यालयों का घेराव करती हैं। ये एमएलए ऑफिस जो है यहां पर भी बहने गई और वहां पर भी जो है घेराव किया। इस तरह से दीवारों पर भी लिखती हैं आम आदमी पार्टी हाय हाय, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी साथ साथ है, ये खुल्लम खुल्ला बात है, इस तरह से सब चीजें लिखती हैं। साथ ही साथ बहने पोस्टर भी फाड़ती हैं, इस तरह से आप यहां पर देख सकती हो, ये कुछ आम आदमी पार्टी के पोस्टर हैं। सही, और आगे अगर चले तो ये कुछ बहने जो सड़कों पर निकल करके अपना कार्यालयों की तरफ कूच कर रही हैं, ये दिल्ली से आंगनबाड़ी बहने हैं। साथ ही साथ ये कार्यालय के बाहर बहने पहुंची हैं और अपनी समस्याओं को वहां पर बता रही हैं। उनके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश में कल एक और जो है योगिता कावड़े बहन ने पोस्ट डाली कि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन जिला बालाघाट में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रही कार्यकर्तियों के पंडाल पर पहुंचे पूर्व विधायक मधु भगत जी और कांग्रेस अध्यक्ष नवीन चौधरी जी, इन्होंने वहां पर समर्थन किया है। समर्थन के दौरान कहा है कि आपकी मांगे जायज हैं और इसे विधानसभा में मेरे द्वारा इसे उठाया जाएगा। अच्छी बात है, उठाएं तो ठीक है, नहीं उठाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हर एक राज्य में ऐसे ही जो है देखने को मिलता है। वही बात करें इस साइड में तो यहां पर बहनों की कुछ और भी तस्वीरें आ रही है, आप यहां पर देख सकते हो। बहनों ने अपनी समस्या को वहां पर कांग्रेस के विधायकों को सौंपा हुआ है। अब इनकी जो है अब इन पर है कि आवाज कैसे उठाते हैं। वही शकुन राजपूत बहन आती है नरसिंहपुर से और उन्होंने अपने वहां से ये कुछ फोटो भेजी हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि अध्यक्ष को दिया इस्तीफा, कार्यकर्तियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, आदेश वापस लो नहीं तो सबका इस्तीफा लो। शकुन राजपूत जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर से। तो नरसिंहपुर में भी बहनों ने जो अपने वहां पर प्रदर्शन किया है, इस तरह से आप यहां पर देख सकते हो, काफी बहनें वहां पहुंची हैं और अपने विरोध को दर्ज किया है। और हमारे पास जानकारी को शकुन राजपूत बहन नरसिंहपुर से, उन्होंने ही इसको भेजा है। साथ ही साथ आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये आंगनबाड़ी बहनों खास तौर पर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में निपुण भारत की जो सूची आई है जिसके तहत आपको बाल वाटिका के यानी अपने आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको कैसे और कितना क्या क्या पढ़ाना है, किस काबिल बनाना है, इसके बारे में चर्चा की गई है। दक्षताएं यानी क्या होनी चाहिए, तो वो देखिए निपुण भारत सूची भाषा बाल वाटिका, तो भाषा से रिलेटेड आपके आंगनबाड़ी के बच्चों को क्या आना चाहिए वो आप यहां पर थोड़ा देखिए और ध्यान दीजिए। मौखिक भाषा में बच्चों को क्या आना चाहिए सबसे पहले वो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों और शिक्षकों से बात करना आना चाहिए आंगनबाड़ी के बच्चों को। समझ के साथ में तुकांक और या कविताएं वो भी गा लेते हो, छोटी मोटी कविताएं वो भी उनको आती है, जैसे मछली जल की रानी है, तमाम तमाम ऐसे सिंपल वाली होती है जो बच्चे रट लेते हैं। और किताबों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास भी करना, ये भी आपके मौखिक भाषा के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों को आना चाहिए। यानी किताब को देख लेते हो, चित्रों की मदद से कहानी को पढ़ लेते हो, हिंदी भले ही ना पढ़ पाते हो लेकिन जो चित्र बने हैं चित्र को पढ़ाते हुए समझाते हुए आप कहो बच्चा चित्र के अकॉर्डिंग अपने मन से बोलेगा, अपने मन से अपने शब्दों को अपनी कहानी बना करके आपको बताएगा। ज्यादातर केसेस में यही होता है। वहीं पर एक ये ऐसा दौर होता है जो है कि यहाँ पर बच्चा आंगनबाड़ी वाले में बहुत तेजी से इसका जो है विकास होता है, हर तरह से विकास होता है और बहुत ही तेजी से होता है। तो यहाँ पर आप जो है जितना सिखाना चाहेंगे सब बच्चा सीखेगा। और बाकी आगे चौथा दिया है, कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचाने और इंगित करने की शुरुआत भी करें। दृष्टि शब्दों या खाद्य कंटेनर या रैपर पर छपे शब्द भी बच्चा छोटा छोटा अपना पढ़ना सीखे। तो जो भी जो कुछ मिले, खाने पीने का भी कुछ लाता है उस पर भी देखो बच्चा इसको पढ़ो उस पर क्या लिखा है। भले पार्ले जी का पैकेट का आपने जो है वो पैकेट देख लिया खाली, उस पर पढ़ो बेटा ये क्या लिखा है। यानी कुछ भी देखे कहीं पर भी उसको हंसी हंसी में सब कुछ पढ़ाना सिखाना सब जो है सब उसको करवाना है। आसपास की चीजों से भी उसको अवगत कराना, ये पेड़ है, ये काहे का पेड़ है, ये इस चीज का पेड़ है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरह से
से बच्चों को करना है। साथ ही साथ पढ़ाने में क्या है, अभी तक तो आपने क्या पढ़ा, भाषा आपने पढ़ी जो मौखिक रूप से आपके मां के बच्ची हैं। अब पढ़ने में देखिए क्या है, अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हो, यानी उसको पढ़ लेते हो, कम पहचान लेते हो, और यानी हल्का हल्का पहचानेंगे तभी तो पढ़ेंगे, कम से कम दो अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हो, तो पहचान तो जरूरी लेते हो अक्षरों को, बाकी पढ़ने में जो सिंपल शब्द होते हैं दो दो अक्षरों वाले उनको वो पढ़ लेते हो, और खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का भी प्रयास करें। तो खेल के दौरान जो पहचान वाले अक्षर हैं उनको थोड़ा थोड़ा लिखने का भी प्रयास करें, भले ही गलत लिखे जैसे भी लिखे लेकिन प्रयास करें। आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना भी बच्चों को अपना करना चाहिए, जैसे पेंसिल से भले ही ना बना पाते हो लेकिन कोशिश करनी चाहिए, भले ही मान लीजिए जो गोला बनाइए या एक बनाइए, बने चाहे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, और इसी तरीके से बिना कोशिश से कैसे सीखेंगे, तो कोशिश करेंगे तभी सीखेंगे। वही लेखन में बच्चों को क्या आना चाहिए भाषा से रिलेटेड, उसमें है कि पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य जो अक्षर है वो बनाने के लिए उसको उपयोग करना भी आना चाहिए। तो पेंसिल को ठीक से पकड़ना भी जाने, उसको पहचाने अक्षर जो है और बनाने के लिए उसका उपयोग करें, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बना पाए। उसके बाद दसवां है अपने नाम के पहले शब्द को पहचानना और लिखना सीखे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम जो है क्या है, राजू है, तो राजू में रा को पहचान लेते हैं और उसको लिखने का भी प्रयास करें पढ़ने का, इस तरह से ये सब चीजें वहां पर उनको आनी चाहिए। ये तो हो गया बाल वाटिका आंगनबाड़ी के लिए जो है बच्चों को भाषा में इस तरह से निपुण बनाना, दक्ष बनाना। वहीं पर गणित में कैसे आप दक्ष बनाएंगी, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। निपुण भारत सूची गणित बाल वाटिका के लिए क्या है, दक्षताओं में पहली है वस्तुओं की गिनती और दशक संख्याओं से सहसंबंध स्थापित करना बच्चों को आना चाहिए। दूसरा दिया है दशक के अंकों को पहचानना और उसको पढ़ना बच्चों को आना चाहिए। तीसरा दिया है वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में दो समूहों की तुलना करना और अधिक या कम या बराबर आदि जैसे जो शब्द होते हैं उनका उपयोग भी कर लेते हूं। जैसे बताते हैं आपको अधिक से क्या तात्पर्य, जैसे मान लीजिए कुछ आपने कोई चीज थोड़ी चीजें हैं उठा करके कोई भी चीजें वस्तुएं कुछ भी ले लो या पैसे ले लो, इनको दे दिए इतने, एक को दे दिए ज्यादा यानी अधिक दे दिए, अब पूछो किसके पास अधिक है, तो बच्चा बताएगा ये चीज इनके पास अधिक है। या मान लो दो जगह पर आपने कुछ रख दिया सामग्री ही, एक जगह थोड़ी रखी एक जगह ज्यादा रख दी, अब पूछोगे कहां पर जो है यह सामग्री अधिक है, तो बताएंगे यहां पर अधिक है। यानी अधिक और इस तरह से कम, इनमें भी बच्चों को अंतर बताना है। बराबर क्या होता है उसमें भी, जैसे दो इनको रुपए दे दिए इनको 10 रुपए दे दिए, तो बच्चा बताएगा दोनों लोगों के पास बराबर है। तो कोई भी चीजें हैं जो बराबर बराबर दो बराबर बराबर बांटो, तो बच्चा कहेगा हाँ ये चीजें बराबर हैं। तो इससे उसको पता चलेगा अधिक क्या होता है, कम क्या होता है, बराबर क्या होता है, इन शब्दों का उपयोग जो है वो सीखेगा। तो इस तरह से आपको करना है। मां के अच्छा खाने पीने की चीजें ही ले लो, तो वो भी बराबर बराबर दी जाती है, जैसे सभा में कहते हैं ना सभा में हर इंसान बराबर होता है, और खाने पीने की अगर चीज आप है तो सबको देनी चाहिए बराबर बराबर। तो यहां पर ऐसे बच्चों को करना, टॉफी ले ली एक एक सभी को दे दी, तो ये हो गया सबको बराबर दे दी। अब किसी को एक ज्यादा दे दी तो कहेगा कि जो इनको आपने ज्यादा दे दी यानी अधिक दे दी, किसी को कम दी तो कहेगा हमको कम मिली है। तो इस तरह से बच्चे सीखेंगे। वही संख्यात्मक के बारे में क्या है, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं आकृतियों घटनाओं को व्यवस्थित करना भी बच्चा सीखे। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में कभी तोता कभी जो है यहां पर हाथी, इस तरह के वो एक पैड टाइप पर छपे हुई आकृतियां आती थी, कटी पिटी आती थी, उनको जोड़ करके एक जो है एक व्यवस्थित किया जाता था और पूरा हाथी या तोता इस तरह से आकृतियां बनती चली जाती थी। तो वो हो गया घटनाओं को एक तरह से व्यवस्थित करना, या और भी तरह से आप इसको ले सकते हो, तमाम चीजों को अलग बिखेर दो, आप कहो इनको व्यवस्थित करो तो बच्चा व्यवस्थित करेगा। ऐसे संख्या ले लो, वस्तुएं ले लो, आकृतियां ले लो, जो भी है आप उनको व्यवस्थित करना सिखा सकती हैं। वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना भी, और वर्गीकरण के लिए मानदंड का संचार करना भी बच्चों को करना चाहिए। साथ ही साथ है अपने आसपास की जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबा, सबसे लंबा, सबसे छोटे से अधिक, हल्के, इस तरह से बच्चों को बताना है। तो जो भी है कुछ वजन वाला ले लिया कुछ हल्का ले लिया, बताएगा बच्चा ये वजन वाला है ये हल्का वाला है, ऐसे जो है छोटा और बड़ा ये सब बच्चा बताएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपका हो गया बाल वाटिका में निपुण भारत के लिए जो लक्ष्य रखा गया है दक्षताओं के लिए आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए वो हो गया। अब आपको एक बात और बता दूं, पहल नामक जो एक पुस्तिका है शायद आप लोगों को मिली होगी और काफी इसमें पेज हैं,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ईसीसी मैनुअल इस पर लिखा है, निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से यह जारी है। तो उत्तर प्रदेश की बहनों, एक स्पेशल वीडियो शायद दोपहर 12 बजे मैं शुरुआत करूंगा, कल से करूं या जब से करूं, और उसमें आपको ये पहल वाली जो पुस्तिका है इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे क्या पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है। तो इसके बारे में आपको एक सीरीज टाइप की चलेगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत सारे पेज हैं तो एक ही वीडियो में सब नहीं आ सकता, तो डेली एपिसोड टाइप के लाऊंगा दोपहर, मान लीजिए 12 बजे स्पेशल वीडियो, तो ये आपके आते रहेंगे जब से स्टार्ट होंगे, और इसमें आपको सब कुछ हम यहां पर पढ़ाएंगे कि क्या और कैसे इसमें सब करना है, तो ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से खबर प्रकाशित हुई है जागरण में कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के आसानी से आधार कार्ड बनवाने की वहां पर पहल शुरू हो रही है। तो आंगनबाड़ी बहनों, कानपुर देहात में जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उनके लिए आसानी से आधार कार्ड बन जाए, इसके लिए वहां पर एक शुरुआत हो रही है। आइए देखते हैं इसमें क्या निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है यहां पर कि सबसे बड़ी समस्या आधार कार्ड ना होना आती है। जब भी आप जो है बच्चों को पोषण ट्रैकर पर फीड करती हो, आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है तो पीला मार्क बनता है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला का जो है कार्यक्रम विभाग ने ब्लॉकों को ऑर्डिनेटर को प्रशिक्षण दिलाना शुरू किया है। सब ठीक रहा तो बहुत जल्द सीडीपीओ कार्यालय में बच्चों के आधार बनने लगेंगे। कहां बनेंगे? सीडीपीओ कार्यालय में आधार बनेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। आगे लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों के पास आधार कार्ड ना होने के कारण पोषाहार सहित अन्य सुविधाओं को मिलने में दिक्कत होती है। यहां तक कि ज्यादातर बच्चे वंचित ही हैं। आधार कार्ड बनवाना पाना और जो सॉरी आधार कार्ड बनवा पाना इनको लिखना चाहिए था, इन्होंने बनवाना और पाना लिख दिया, तो ये उन्होंने गलत लिखा है। खैर कोई बात नहीं, आधार कार्ड बनवा पाना हर किसी के वश की बात नहीं रही है, जिसके चलते लोग किनारा करने लगे हैं, यानी यहां पर कन्नी काटने लगे हैं, एक शब्द सुना होगा गांव में, यानी इससे मुख अपना मोड़ने लगे हैं, यानी बनवाने से परहेज करने लगे हैं, ऐसे तमाम शब्दों से आप अर्थ समझ सकती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के आधार कार्ड आसानी से बनवाने के लिए शासन स्तर से पहल की शुरुआत यानी जो है हो रही है। ब्लॉक स्तर पर सीडीपीओ कार्यालय में तैनात जो कोऑर्डिनेटर हैं इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और मुहिम शासन स्तर से शुरू कर दी गई है। लखनऊ से आए प्रशिक्षक आफताब आलम ने नए मिले कंप्यूटरों का इंस्टॉलेशन करने के साथ कोऑर्डिनेटरों को प्रशिक्षण भी दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो सीडीपीओ कार्यालय में आधार कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान हो जाएगी और प्रदेश का पहला जिला होगा कानपुर देहात, जहां जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव ने बताया कि सरकार की मंशा है कि लाभकारी योजना लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए आधार सबके लिए सफल एक माध्यम बताया जा रहा है। तो अच्छा रहेगा भैया बनने लग जाए, सब जगह इसी तरीके से सुविधा मिल जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण योजना से वो वंचित रह जाते हैं और इसीलिए अब ये सब शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। तो एक जानकारी निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं, ज्योत्सना गुप्ता बहन आती हैं औरैया से, उन्होंने अपने वहां से ये फोटो भेजी है अपने बच्चों के साथ में। साथ ही अनीता बहन आती हैं बिजनौर से, उन्होंने भी अपने वहां से ये एक फोटो भेजी है। और आज सुबह के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में दोपहर को हम फिर मिलेंगे, पहले 10 बजे मिलेंगे फिर बाद में मिलेंगे, इस तरह